नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं जगप्रीत सिंह दोबारा आप लोगों को सस्ता घर की टीम से एक नए प्रोजेक्ट की तरफ लेके आया हूं। दोस्तों आज मैं जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूं वो प्रोजेक्ट है छतरपुर एनक्लेव में। अब अगर मेरे दोस्तों को, मेरे को नहीं पता आप लोगों ने विजिट किया हो छतरपुर, तो छतरपुर एनक्लेव छतरपुर की सबसे स्टार्टिंग में ही मेट्रो स्टेशन से 800 से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में आपको पड़ता है। इससे थोड़ा सा जाना जाएंगे छतरपुर एनक्लेव के बारे में दोस्तों। तो ये सबसे प्राइम लोकेशन है छतरपुर की, एक तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में मेट्रो से। मार्केट्स की अगर यहाँ बात करूँ दोस्तों, तो आसपास सारे बड़े ब्रांड्स विशाल मेगा मार्ट, ईजी डे, सुपर मार्केट, केक्स एंड पाइज, बेकरी शॉप्स, हॉस्पिटल, क्रोनस हॉस्पिटल, अच्छे ब्रांड की सारी चीज़ें यहाँ पे 500 मीटर के दायरे के अंदर आती हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ नेसेसिटीज़ की, जैसे कि पानी, बिजली और आपके गैस कनेक्शन, इस चीज़ों की सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। पानी यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का होता है, इलेक्ट्रिसिटी BSES के मीटर्स आपको लग के मिलते हैं, IGL के कनेक्शंस ऑलरेडी इस बिल्डिंग में आ चुके हैं। तो आप लोगों को सारी नेसेसिटी टेक केयर करते हुए ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। अब मैं और एक थोड़ी सी बात और करूँगा दोस्तों कि छतरपुर एनक्लेव में लेने के फ़ायदे क्या हैं। सर देखिए, अपकमिंग लोकेशन है, डेवलपिंग लोकेशन में हमेशा ये फ़ायदा होता है कि जब वो एरिया डेवलप होता है तो उसमें प्राइस अप्रिसिएशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मेरे इन्वेस्टर दोस्त हैं जो मुझसे कई बार पूछते रहते हैं, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि छतरपुर एनक्लेव बहुत ही अपकमिंग एक लोकेशन है। और अगर मैं एक आखिरी चीज़ बात करना चाहूँगा यहाँ के लैंड टाइटल की, जो बार बार मैं वीडियोज़ में एंड में करता हूँ, इस बार पहले से भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई दोस्त मेरे से बार बार वीडियो पूरा ना देखे हुए भी उसके बाद मेरे से क्वेरीज करते हैं। तो ये GPA का लैंड टाइटल है दोस्तों, यहाँ पर लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बाकी इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग और प्रोजेक्ट की डिटेलिंग मैं आपको लेके चलता हूँ प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे सचिन गहलोत जी मेरे दोस्त सस्ता घर की टीम से आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट की तरफ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जगप्रीत जी ने आपको बता दिया होगा कि आज हम 2 BHK की यूनिट आपको दिखाने वाले हैं और आज उस बिल्डिंग में हम आ चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी हम कॉरिडोर में खड़े हुए हैं, जो इसका पैसेज है काफ़ी अच्छा पैसेज दिया हुआ है, अप्रॉक्स 5.5 फीट का दिया हुआ है और जीना भी काफ़ी अच्छा है। आपको देखना होटल वाला लुक आ रहा होगा जैसे होटल में होता है, और काफ़ी अच्छे स्टेयर दिए हुए हैं, जो राइजर काफ़ी अच्छे राइजर दिए हैं, 6 इंचज़ के राइजर हैं, आपका स्टेप 10 इंची के दिए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे हम चढ़ते हैं तो आपकी लिफ्ट दी हुई है, कोने की लिफ्ट है, ब्रांडेड लिफ्ट दी हुई है इनकी, ये अप टू आपकी छत तक रूफ पर जा रही है, टेरिस तक जाती है, पार्किंग से आप टेरिस जा सकते हैं लिफ्ट में। और अब 2 BHK का फ्लैट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, 70 स्क्वायर यार्ड में ये फ्लैट है, काफ़ी अच्छा फ्लैट है। तो दोस्तों अंदर आ जाइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छा डोर दिया हुआ है, लैमिनेटेड डोर दिया हुआ है, हाई ग्लॉस लैमिनेट इसमें लगाई हुई है, हाइट काफ़ी अच्छी दी हुई है, आपका 45 इंचेस इसकी चौड़ाई है और आपकी जो हाइट की बात करें 8 फीट का डोर है, तो काफ़ी अच्छा है, एक्सेस के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपकी। और लॉन्ग बॉडी का आपका इसमें लॉक दिया हुआ है। बात करते हैं स्विचेस की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और वायर और स्विचेस बहुत ज़रूरी होता है कि बिल्डिंग में क्या लगाए हुए हैं। तो बात करते हैं, स्विचेस सारे आपके ब्रांडेड हैं, आपके जो वायर लगाया हुआ है वो भी आपका एंकर का वायर लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छे वायर है। अब बात करते हैं फ्लोरिंग की, फ्लोरिंग आप देख सकते हैं 2x4 की फ्लोरिंग दी हुई है, डिजिटल फ्लोरिंग दी हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है और इसमें अब बहुत अच्छी सीलिंग की गई है, 18 इंची पट्टे के साथ कोव दिया हुआ है, बीच में डाउन सीलिंग दी गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और बात करें पैनल लाइट की, तो इसमें 4 इंची की पैनल लाइट दी हुई है, सारा पेंट वाइट दिया हुआ है और स्प्लिट AC का कंड्यूट दिया हुआ है ड्राइंग रूम के अंदर। अब बात करते हैं इसके किचन की, किचन में आपका ग्रेनाइट टॉप दिया हुआ है, हाई ग्लॉस लैमिनेट के साथ, नीचे आप डार्क ब्राउन दिया हुआ, ऊपर वाइट दिया हुआ, तो काफ़ी अच्छा इसका कॉम्बिनेशन लग रहा है और बहुत अच्छी आपकी प्रिंटेड टाइल दी हुई है, तो काफ़ी अच्छी किचन है, हाई ग्लॉस किचन है और हाइड्रोलिक इसकी सारी फिटिंग्स है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में, फर्स्ट बेडरूम के साइज़ की बात करें अप्रॉक्स ही आपका 10x12 का बेडरूम है, डोर की बात करें आपका 36 इंची की इसकी ब्रेथ है और इसकी हाइट जो बात करते हैं हाइट 8 फिट की है और इसके अंदर एक बहुत बड़ी विंडो दी हुई है आपके एयर वेंटिलेशन के लिए, अब इसमें AC भी लगा सकते हैं, अपना विंडो AC का प्रोविजन लगा सकते हैं, इसमें हम पार्टीशन दे देंगे तो आप इसमें विंडो AC ही लगा सकते हैं। अब इसके चलते हैं हम टॉयलेट में, इसमें अटैच टॉयलेट दिया हुआ है, फिटिंग आपकी डाइवर्टर दिया हुआ है अंडरग्राउंड जो आपका कंसील होता है, आपका पेडिस्टल वॉश बेसिन दिया हुआ है, फ्लोर माउंटेड सीट दी हुई है।
इसमें आपकी कॉर्निस दी हुई है चारों तरफ, फॉल सीलिंग नहीं दी गई है, इसमें कॉर्निस दिया हुआ है और काफ़ी अच्छी जो वॉल देखेंगे काफ़ी स्मूथ है। तो इसमें आपकी पीओपी पनिंग भी की गई है, पीओपी प्लास्टर जिसको बोलते हैं। अब मैं इसका आपको कॉमन टॉयलेट दिखा देता हूँ। कॉमन टॉयलेट में भी सेम फिटिंग, पेडिस्टल वॉश बेसिन, डाइवेटर दिया हुआ है, फ्लोर माउंटेड शीट दी हुई है आपकी। अब दोस्तों चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम, जो लास्ट बेडरूम है इसका। अप्रॉक्स 12x12 का बेडरूम है ये। इसमें अप टू सीलिंग आपकी वार्डरोब दी हुई है। इसमें आपका ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और बहुत अच्छी विंडो दी हुई है, ह्यूज विंडो। इसके ऊपर आप विंडो एसी लगा सकते हैं। नीचे आप चाहते हैं तो इसमें आप जोड़ीदार पल्ले लगाने के बाद ओपनेबल पल्ले कर लेंगे तो आप लाइट वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। और डोर की हाइट आपको बता चुका हूँ, 36 इंची के डोर है, 8 फिट की हाइट है इसकी। और टाइल देख लीजिए, इसमें सतवारियों टाइल लगाई हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें लाइट वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। अब इसकी बालकनी दिखाना चाहता हूँ आपको। इसमें आपकी MS की रेलिंग दी हुई है जो काफ़ी मजबूत होती है। आपका ब्लैक टॉप दिया हुआ है ग्रेनाइट का। और बालकनी की साइज़ की बात करें, अप्रॉक्स 4x8 फिट की बालकनी है, काफ़ी बड़ी बालकनी है। दोस्तों बात करते हैं इस फ्लैट के साइज़ की, मैं आपको बता चुका हूँ 70 स्क्वायर यार्ड में है। और 70 स्क्वायर यार्ड में है और ये फ्लैट आपको मिल जाता है सेकंड फ्लोर पे। और टॉप फ्लोर पे 2 यूनिट हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें 3 BHK भी मिल जाता है, टॉप फ्लोर विद टेरेस आपको। तो काफ़ी अच्छा फ्लैट है दोस्तों। फ्लैट आपको दिखा दिया है मैंने, डिटेलिंग बता दी है इसकी। एमिनिटीज आपको क्या क्या मिल रही है वो बताना चाहता हूँ आपको। इसमें एमिनिटीज़ में आपको एक रिजर्व कार पार्किंग मिल रही है आपको। सारे कॉमन एरिया में CCTV कैमरे मिल रहे हैं। और दोस्तों बात करते हैं ये कहाँ पड़ती है प्रॉपर्टी जो दिखा रहे हैं। ये आपका छतरपुर इंक्लेव Phase 2 में C ब्लॉक में पड़ती है। और ये मेट्रो के काफ़ी नियर बाई है, चाहे बात करें कुतुबमीनार मेट्रो, चाहे बात करें छतरपुर मेट्रो, उसके बीच में पड़ती है। तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी, तो आपके लिए बहुत अच्छा फ्लैट रहेगा। जो दोस्त मेरे गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं या दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये। और दोस्तों कोई भी आपकी क्वेरी है तो सस्ता घर की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं, आप उनके लिए भी हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छे प्राइस में फ्लैट बुक हो जाते हैं, क्योंकि रेडी टू वो जो फ्लैट होते हैं उससे कम रेट में आपको अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट मिल जाते हैं। दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हमसे ऐसे ही जुड़े रहें जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।